क्या कहा? तुम गेम में पार्टिसिपेट नहीं करोगे? नहीं। अचानक तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे भाई ने तुम्हें चैंपियन बनाने के लिए कितना पैसा बहाया है और तुम हो कि नेशनल गेम में पार्टिसिपेट करना नहीं चाहती? लगता है इस उम्र में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेघना, भैया को पता चलेगा तो उनका दिल टूट जाएगा। जरा सोच कर तो देखो। इसमें सोचना क्या है, इसे पार्टिसिपेट करना होगा। नहीं डैडी, प्लीज मुझे फोर्स मत कीजिए, मैं नहीं खेलूंगी। हाँ? मेरी होनहार और चैंपियन बेटी नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट करने से मना कर रही है। मैंने क्या किया अंकल? तो फिर किसने किया? तुमने उसे बहकाया होगा। जलेबी की तरह सीधा ही है। मैं बात करूंगा, मैं समझाता हूँ ना। मेरे भाई को फांसी की सजा दी जाने वाली है और ऐसे में मैं अपने गेम पर कॉन्सेंट्रेट कैसे करूं? सुनो, पुराने हिंदी फिल्मों के घिसे पिटे डायलॉग मत रटो। तुम्हें क्या लगता है कि जिनका खून का रिश्ता होता है सिर्फ उन्हीं को आंसू बहाने का हक है? तुम्हें शायद नहीं मालूम कि हमारा क्या रिश्ता है। वही मेरे लिए सब कुछ है और मैं ही उसके लिए सब कुछ। तुम तो काफी इमोशनल हो गए। इमोशनल नहीं हुई, मैं कुछ सोच रही थी। तुम्हारा कहना है कि तुम दोनों की फ्रेंडशिप खून के रिश्ते से भी ज्यादा गहरी है। खोखली फ्रेंडशिप है। खोखली कहती हो? काफी लोगों ने इसे तोड़ने की कोशिश की। हमारे बीच में गलतफहमी पैदा करनी चाहिए, हमें दुश्मन बनाना चाहा, पर कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे हिसाब से ग्रेट फ्रेंडशिप कैसी होनी चाहिए? लव को दोस्ती के लिए डोनेट कर दे, बाइक रेस खुद जीत रहा हो तो मेरे लिए हार जाए, मैं यहाँ गिरूँ तो दर्द उसे हो, यही ना? इसे फ्रेंडशिप कहती हो? मेघना, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है, पर तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। श्रीराम वापस आएगा, उसे कुछ नहीं होगा। श्रीराम तुम्हें चैंपियन बनाना चाहता था, जब वो आएगा क्या जवाब दोगी? कम ऑन, स्टार्ट प्रैक्टिस। चलो मेरे साथ। नहीं जाएगी, ये तेरे झांसे में नहीं आने वाली। तेरे जैसे सड़क छाप बहुत आशित देखे मैंने। तू समझता क्या अपने आप को? तू मेरे बाजू में आगे खड़े रहे क्या रे? खुद को समझता क्या है तू? क्या कर रहेगा तू मेरा? बोल ना। काशी अंकल, आप इतने चिड़चिड़े, तमतमाए और बौखलाए क्यों हैं? कहीं ऐसा ना हो कि हार्ट फेल हो जाए। यहीं खड़े रहिए। मेघना, अंकल के लिए बीपी की टैबलेट लाओ। जाओ। बीपी नहीं है, डायबिटीज नहीं है, शुगर नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। ये गोली मैंने ही तू खाई। लगी जोर से? मर्द को दर्द होता है। तो फिर आपको इतना इमोशनल होने किसने कहा था? मेघना के साथ तुम्हें अकेला देखकर इमोशन आ गया। तुम सनी की तरह इतने जोर से क्यों चिल्लाते हो? ये सनी कौन है? सनी को नहीं जानते? याद आ गया, बड़ी मुझे सीना तान के चिल्लाता है। सही कहा, पर इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है? मैं कितना खाता है वे? क्या कहा था तुमने, मुझसे पंगा लेगा? ले 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 ले, धक्का मारा था ना मुझे, मार मार ना, धक्का मार मुझे, मुझे हाथ लगाता है सले। अभी तक आई नहीं है, दो चार। अरे काशी अंकल, आप टेंशन मत लीजिए, वो आती होगी, आपके हार्ट को कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। दो दो, अरे बीपी की गोली दो, लो 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 लो, खाओ खाओ खाओ, खाओ ना। ये टॉफी की गोली नहीं है, जाओ पानी लेकर आओ। जाओ जाओ, तुम जाओ वरना ये मर जाएंगे। जाओ पानी लेकर आओ, जल्दी जाओ और लेट आओ। सही से छू, सही से छू, मार मार, खुद को मार। पहले ही तुम इस घर के माल को काफी लूट चुके हो, आइंदा अगर मेघना के बाप को बिजनेस या डील के बारे में चुना लगाया तुम मेरे कान के नहीं। वाटर और टेबलेट की जरूरत नहीं है, धूप में खड़े खड़े अच्छे हो गए हैं। काशी अंकल, इसे कह दीजिए कि आप बिल्कुल ठीक हैं। मैं ठीक हूँ। जाओ जाओ, लेकर जाओ, लेकर जाओ। I'm ready. Good. Hey, मेघना, that's good. Thank you. ये तो तैयारी नहीं थी, फिर अचानक कैसे? ये सब शिव काशी अंकल का जादू है। ऐसा क्या किया तुमने? मैंने प्यार से समझाया, क्योंकि किसी ने मुझे भी प्यार से समझाया था। प्यार बांटते चलो, गेम खेलते चलो। काशी अंकल, शिव काशी अंकल, काशी अंकल, कमाल का हुनर है आप में, क्या समझाया है, हैं? चलो मेघना। बाय बाय। सूर्या, शैतान सिंह के आदमी तेरी तलाश में है। बता रहा है कि डरा रहा है? अबे बता रहा हूँ। ये यहाँ क्यों आ रहा है? अरे ये तो फुटबॉल टीम लेके आ रहा है। शंकर दादा, शैतान सिंह का नंबर वन दुश्मन। शंकर दादा और शैतान सिंह का 35-36 का आंकड़ा है। बाय लोग, आप उनका नाम है। इंट्रोडक्शन में टाइम वेस्ट मत करो, मेट्रो बोलो, मुंह खोलो। मैटर ये है कि पूरे शहर में पिछले 20 सालों से किसी में भी राजा शैतान सिंह के खिलाफ लिक्विड टेंडर भरने की हिम्मत नहीं हुई। अगर किसी ने हिम्मत की तो उसकी जान गई, पर अब लोगों में उसकी दहशत कम होने की वजह से राजा की नींद उड़ गई, और उसकी वजह तू है। पर फिक्र मत कर,
तू मेरे साथ है। अगर तू मुझे सपोर्ट करेगा तो मैं इस साल का टेंडर भरूंगा। तुझे जितना कमीशन चाहिए मुझे बोल। तुम नेशनल गेम खेलना चाहती हो ना, पहले किचन में जाओ और सब्जियां काटो। गुस्से में फर्स्ट फ्लोर से कूद जाओगी, पर यहाँ एक फीट जम नहीं कर पा रही हो। अगर इसी तरह तुम प्रैक्टिस करती रही तो आगे से नहीं पीछे से फर्स्ट आओगी। आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन पर चिल्लाना नहीं चाहिए, तारीफ करनी चाहिए। कौन से झंडे गाड़े हैं जो तारीफ करूं? बोल बच्चन देना आसान है, हमारी तरह पसीना बहाना बहुत मुश्किल है। आ, देख रहा हूं कितना बहा रही हो। ये कोई ड्राइंग कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा है, नेशनल गेम्स है, तुम्हारे सामने चैंपियंस होंगे। लाओ मुझे दो, पास आओ, पोजीशन ले लो, चलो। पकड़ो इसे। ये क्या है? ये क्या है? क्या ये? क्या ये सब? चॉकलेट खा खा कर चर्बी चढ़ गई है। कम करो, कम करो। अगर इसकी तकदीर बनानी है तो सबसे पहले इसका फिगर बनाओ, समझे? कम करो चर्बी, मारने का दिल करता है। मैं लोगों की कमजोरियों से पैसे कमाने का शौक नहीं पालता हूँ। शंकर दादा, तेरे ये चमचे तुझे सलाम ठोकते होंगे, पर अपुन से पंगा लेने वाला खुद ठुक जाता है। इनका जितना पगार है उतना तो मेरा रोज का खर्चा है। अपुन को बस तू एक वचन दे। कैसा वचन? के तू कभी भी मार्केट में जहरीली शराब नहीं बेचेगा। नहीं बेचूंगा भाई। पहले तू मुझे तू तू करके बुला रहा था, अब भाई पर आ गया। अगर तू रंग बदल सकता है तो मैं भी गिरगिट हूँ। मुझे पता है तुम ईमानदार हो, मैं तुमसे दुश्मनी क्यों करूंगा? मेरी दुश्मनी तो शैतान से है। चलता हूँ। अच्छा, शैतान पाटिल का दुश्मन से दोस्ती करना जरूरी है? शैतान पाटिल से दोस्ती करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। राजा भाई, खबर मिली है शंकर हमारे खिलाफ लिकर टेंडर भरने वाला है। अच्छा, मतलब वो कुत्ता टांग ऊपर करके हमारे टायर पर पानी डालना चाहता है। उसको हवा कौन दे रहा है? सूर्या। हाँ, शंकर ने सूर्या को अपने साथ कर लिया है। सूर्या, 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 वो हमारे काम में तंगड़ी क्यों डाल रहा है? और तुम लोग भी रात गई बात दे वाली पब्लिक हो। उसने हमारी प्रॉपर्टी और बिजनेस पर हमला किया, हम सिर्फ तमाशा देखते रहे। भाई अब लिख लो, वो कुत्ते की मौत मरेगा। अनवर भाई के भाइयों को मैंने यहाँ बुलाया है। हाँ। अच्छा, अब तुम लोगों को भाड़ोत्री गुंडे हायर करने पड़ रहे। मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं, मैं अकेला ही उसके लिए काफी हूँ। अगर उसको नहीं टपकाया तो आधी मुझ उतार कर छोड़ूंगा। शैतान के रास्ते में जो आएगा डेड एंड से पहले ही मर जाएगा। शैतान भाई, मुन्ना स्वामी का फोन था, कह रहा था कि नीलामी आपका इंतजार कर रही है। राजा भाई, मारे ने सारी सेटिंग कर दी है, वही पुराना दाव चलेगा। आप बेफिक्र जाओ भाई। शौकर दादा, शौकर दादा, शंकर दादा। भाइयों, अगर वो जिंदा होता तो वो यहाँ मौजूद होता, वो तो कहीं डूबा हुआ है। बोली निकल देगा। शगुन की बोली है 200 करोड़ 1 रुपया। अगली बोली 10 करोड़ बढ़कर होनी चाहिए। बेकार के रूल है, अगर मुझे रूल बताओगे तो मैं रिजल्ट बता दूंगा। भाइयों, मैं तो अंतर्यामी हूँ, मारे को सब पता है। अरे?
तुम्हारी बोली 650 करोड़। हेलो पाटिल की कुर्सी के नीचे बम है, बोली बड़ा समझे? हाँ जी हाँ जी, शुरू हो जा। हाँ भाई, मारी बोलती बंद ना ना, 700 करोड़। सात सौ पचास करोड़ मारी 800 करोड़ भाई। 800 करोड़ एक, 800 करोड़ दो। हाँ, मेरी बोली 810 करोड़। मारी बोली 850 करोड़। 850 करोड़ रुपए एक, 850 करोड़ रुपए दो। 900 करोड़। 900। मारी बोली 1100 करोड़ भाई। 1100 करोड़ रुपए एक, 1100 करोड़ रुपए दो। भाई अब नहीं, इसने तो 1000 करोड़ पार कर लिया। 1100 करोड़ तीन, फाइनल। शंकर और सूर्या ने मिलकर हमारे साथ ये गेम खेला है। सालिया भाइयों, गलती होगी, मारे को माफ कर दे। हरामखोर, इतने सालों तक तुम हिलाते हुए मेरे पीछे पीछे घूमता था तू, आज तेरी हिम्मत इतनी बढ़ कैसे गई? कितना परसेंटेज मिला तेरे को? परसेंटेज नहीं दिया भाइयों, वार्निंग दी। वार्निंग से डर गया तू डरपोक? इसने बोला और तेरी फट गई। क्या कहूँ भाइयों, डरा दिया कि बम रखा है। बम कुछ ठेवला है सारी कुर्सी के नीचे। भाइयों ये बम देखकर तो मेरा पिछवाड़ा फट गया है, मेरे अपने और प्राय बच्चों का क्या होगा भाइयों? ये तो कमाल हो गया, आंखों के सामने से बम गायब हो गया, चलो फुगड़ी खेले। अरे भाइयों, ये तो ट्रैवलिंग बम लाके है, यहाँ से वहाँ चल के आ गया। मारी तो फटके दरवाजा हो गई है भाइयों, ये बम तुम्हारी आइटम की तरह हमारे गले पड़ गए हो, जल्दी से मने बचाओ, नहीं तो मैं तुम सब भी मार दूंगा। मैं कोई शुक्राना नहीं दे रहे हूँ। और छाती से गयो, ये तो रिटर्न टिकट लेके आ गयो भाई, ये टाइम तो परमानेंट है ने? अगली बार पंगा लिया तो कुर्सी के नीचे नहीं, तेरी तशरीफ के नीचे बॉम्ब रख दूंगा। दिन भरने के लिए लग जाता लगता है, थारे दिन भी भर गए। मारे को तो और 200 साल जिंदो है। पाटिल भाव, काय झकास ड्राइविंग करता तुम्ही, फिल्म लाइन में आ जाओ। भाइयों तेरे 1100 करोड़ का चुना तो मैंने बहुत महंगा पड़े हो, अगली बार अगर ऐसा ही चुना लगाना हो तो जरा एडवांस में बता दियो। हर इंसान की जिंदगी में आने वाला कल होता है, पर वो नहीं जानता कि उस कल को जीने के लिए वो जिंदा होगा या नहीं। कल तेरा था, आज मेरा है, आने वाला कल तेरा होगा या मेरा कोई नहीं जानता। चल टॉस कर ले।